नमस्कार, जय माता की। आप देख रहे हैं लॉ एंड द स्पिरिचुअल सीख विद। मित्रों, कैसे हैं आप सब? मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपने परिवार के साथ होंगे, कुशल मंगल के साथ होंगे। और परिवार के साथ यदि हम वक्त बिताते हैं तो मेरा ये मानना है कि वो सबसे बेहतर वक्त होता है। और आज बात करेंगे माँ भुवनेश्वरी की। जो लोग माँ भुवनेश्वरी का पूजा पाठ करने लगते हैं, उनके अंदर कुछ खास ऐसे गुण हैं जो कि अपने आप आ जाते हैं। वो गुण किसी दूसरे भक्त में नहीं देखने को मिलेंगे। देखिए, माँ भुवनेश्वरी देवी का स्वरूप हमेशा मुस्कुराता हुआ आपको नजर आएगा। हमेशा जब भी आप उनको देखेंगे, आपको लगेगा कि कितनी अच्छी मुस्कान है इनकी। वो हमेशा भक्तों को आशीर्वाद देती ही नजर आती हैं। माँ भुवनेश्वरी देवी शरण और निर्भयता का प्रतीक है। देखिए, जितनी मुस्कान उनके चेहरे पर है, उतना ही कोई भी डर उनके भक्तों को नहीं होता। मतलब लोगों को लगता है कि यदि कोई इतना सौम्य है, संतुष्ट है, तो हो सकता है वो डर जाए, लेकिन माँ भुवनेश्वरी के जो भक्त होते हैं वो सौम्य भले ही होते हैं लेकिन बहुत ही सख्त होते हैं। माँ भुवनेश्वरी का जो रूप है, अलौकिक रूप है। जब भी आप उनको देखेंगे, आपको लगेगा कि आप बस उनको देखते ही रहे। और आइए अब जानते हैं ऐसे भक्तों के बारे में जो लोग माता भुवनेश्वरी की पूजा पाठ करने लगते हैं, उनके अंदर जो कुछ खास गुण हैं वो अपने आप ही आने लगते हैं। जैसे जैसे माँ भुवनेश्वरी के भक्त आध्यात्म में या भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ जाते हैं, वैसे वैसे उनके जीवन में ऐश्वर्य और वैभव आने लगता है। ऐश्वर्य भी आएगा, वैभव भी आएगी, भक्ति भी आएगी। इनके जीवन में जो दुख और परेशानियां होती हैं, वो सारे दुख और सारी परेशानियां धीरे धीरे आपके जीवन से दूर हो जाएंगी। ऐसे भक्तों के जीवन से दूर हो जाएंगी। इसके अलावा घर परिवार में खुशियां रहें, लेकिन वो खुशियां तभी आती हैं जब घर पर पुत्र या पुत्री रत्न की प्राप्ति हो। तो ऐसे भक्त जिनके घर पे नन्हे बच्चों की किलकारियां नहीं गूंजी हैं, ये खास वीडियो ऐसे भक्तों के ही लिए है जिनके घर में अभी तक बच्चे नहीं हुए हैं। तो आप ये पूरा वीडियो देखिए और माँ भुवनेश्वरी की पूजा अर्चना करिए। ऐसे लोग माँ भुवनेश्वरी को खुश करते हैं यदि उन्हें संतुष्ट करते हैं, और यदि माँ भुवनेश्वरी की कृपा उनके ऊपर हो गई तो उनके घर पर पुत्र रत्न होता है, मानकर चलिए। इसके साथ ही कुछ ऐसे खास गुण हैं जो कि माँ भक्तों में नजर आते हैं। एक सामान्य से भक्त में वो तमाम परिवर्तन देखने को मिलते हैं। आपकी छवि ऐसी बन जाती है कि आप सभी आपके पास आना चाहते हैं। देखिए, एग्जाम्पल देता हूं, एक उदाहरण देता हूं। आपने देखा भी होगा आपके ऑफिस में कुछ ऐसे खास लोग हैं, उनको लगता है कि वो आपके साथ बैठे, आपकी कंपनी के एंजॉय करें, आपकी कंपनी के आपके साथ रहें, आपके साथ वक्त बिताएं। आपका व्यक्तित्व इतना आकर्षित हो जाएगा, कोई भी आपको देख के सम्मोहित हो जाएगा। कहने का आशय है कि माँ के भक्त मंत्र मुग्ध करने वाले व्यक्तित्व के धनी हो जाते हैं। इसके साथ ही माँ के भक्तों को चौतरफा वित्तीय समृद्धि होती है, स्थिरता भी मिलने लगती है। कई बार देखा गया है, नौजवानों की मैं बात करूं तो शुरुआती दौर में जो नौकरी पेशा है, जो नौकरी कर रहे हैं, उससे वो संतुष्ट नहीं होते हैं। उन्हें लगता है कि स्थिरता इसमें नहीं है। तो कई ऐसे भी लोग हैं जिनके जीवन में स्थिरता का अभाव रहता है, जैसे कि नौजवानों की मैंने बात की, लेकिन मां की भक्ति के बाद जीवन में स्थिरता आने लगती है। इसके साथ ही ये देखा जाता है कि कई लोग हैं जो कि मकान, वाहन आदि को खरीदना चाहते हैं, हासिल करना चाहते हैं, लेकिन इसमें परेशानियां होती हैं। लेकिन एक बार मां की भक्ति शुरू करने के बाद ये सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी। देखिए, मध्यम वर्गीय परिवार की मैं बात कर लूं तो सपना ही उनका यही रहता है कि उनका खुद का घर हो जाए, एक गाड़ी हो जाए जिसमें हम सब लोग बैठ के जा सके, लेकिन चाहकर भी चीजें नहीं आ पाती। इसके साथ ही इनमें साहस, आत्मविश्वास, संवेदनशीलता जिसकी कमी रहती है, माँ के प्रभाव के बाद इन सभी चीजों में वृद्धि होती है। और मैं आपको बता दूं कि माता रानी का प्रभाव इतना ज्यादा रहता है, चंद्रमा ग्रह के नकारात्मक प्रभावों से भक्तों की यह रक्षा करने लगती है। कई ऐसे ग्रह हैं जिनका सीधा प्रभाव आप पर पड़ता है और आपके साथ समस्या शुरू हो जाती हैं। रोग, शत्रु, समस्याओं से भुवनेश्वरी माँ हमेशा रक्षा करती हैं। एक सुखी और पारिवारिक जीवन व्यतीत करने का आशीर्वाद भी हमें मिलता है। इसके साथ ही साथ ऐसे भक्तों में प्रसिद्धि प्राप्त हो जाती है, ऐसे भक्तों को प्रसिद्धि मिलती है और भक्तों के जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। आप खुद ये सोचिए कि एक आम व्यक्ति जिसको इतनी प्रसिद्धि मिल जाए, जो इतना ऊंचा हो जाए, जो आसमान तक निकल जाए, कहने का मतलब है कि वो इतना धनवान हो जाए कि लोग चाहें कि हम उनके जैसा बने। ये सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी जीवन में। एक बार यदि आप माँ को
को साध लेते हैं, माँ की पूजा अर्चना करते हैं, तो माँ की भक्ति के बाद वैवाहिक जीवन में भी समग्रता आती है। आज के दौर में तो कई ऐसे लोग हैं जो कि वैवाहिक जीवन में खुश नहीं है, संतुष्ट नहीं है, लेकिन यदि आप माँ की साधना करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, तो सुखी और समृद्ध जीवन जीने का हमें आशीर्वाद मिलता है। तो यदि आपको लगता है कि कुछ ऐसी खास बातें हैं जो कि हमारे अंदर होनी चाहिए, तो आप ऐसे भक्तों को देखिए, आप ऐसे भक्तों से मुलाकात करिए जो कि माता रानी के भक्त हैं। आप स्वतः ही देखेंगे, मान लीजिए यदि कोई आपका मित्र है, यदि कोई आपका खास दोस्त है या आपका रिश्तेदार है, सगा संबंधी है, यदि वो माता की साधना करता है, पूजा अर्चना करता है, तो उसके व्यक्तित्व में इतना निखार आएगा कि आपको ऐसा लगेगा कि काश मैं भी वैसा बन जाऊं, काश मेरे भी आसपास बहुत सारे लोग हैं, मेरे अंदर भी ऐसा लक्षण आ जाए। चाहकर भी नहीं आ पाते, क्योंकि नैसर्गिक गुण होता है। और नैसर्गिक गुण आखिर आपको कैसे मिलता है, वो कैसे आएगा? वो माता रानी की भक्ति से आएगा। तो ऐसे लोग जो उनके भक्त हैं, आप कभी उनसे मुलाकात करिएगा। हमारे पास तो ऐसे उदाहरण, कई सारे ऐसे उदाहरण हैं जिनके जीवन में वृहद परिवर्तन हमने देखा है। पहले उनका जीवन कैसा था और आज उनका जीवन कितना बदल गया है। धन धान्य की पहले कमी थी, लेकिन अब आप देखिए कि उनके घर में हर चीज मौजूद है, यहां तक कि उनका खुद का घर है जो एक वक्त किराए के घर में रहते थे। धीरे धीरे जब माँ की कृपा आप पर होने लगती है, उनकी साधना आप कर लेते हैं और उसके बाद पूजा पाठ आप करते हैं, बस एक बात का ध्यान रखिएगा कि विधि विधान से हम पूजा अर्चना करें, उसमें कहीं कोई कमी पेशी, कहीं कोई लापरवाही, ये सारी चीजें नहीं आनी चाहिए। यदि ये सारी चीजें आ जाएंगी, तो आप मानकर चलिए कि माँ की कृपा हमें कैसे मिलेगी। देखिए, कृपा प्राप्त करना, किसी देवी या देवता को संतुष्ट करना बहुत मुश्किल होता है। हालांकि कई ऐसे भी देवी देवता हैं, भोलेनाथ की मैं बात कर लूं, हनुमान जी की मैं बात कर लूं, तो इन्हें एक दिन में भी आप खुश कर सकते हैं। बशर्त यह है कि वो दिन खास होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, भक्ति होनी चाहिए। यदि आपके अंदर श्रद्धा और भक्ति इन दोनों का ही अभाव है, तो आप ये मानकर चलिए कि आपकी पूजा सफल नहीं होगी। और कई बार ऐसी परिस्थितियां भी बनती हैं कि जब हम पूजा पाठ करने बैठते हैं तो हमारा मन नहीं लगता, और जब हम ऐसे माता के भक्तों को देखते हैं जो कि हमारे साथ रहते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, उनका तो मन लग जाता है। आखिर उनका मन कैसे लग जाता है, क्या करते हैं वो ऐसा कि उनका मन लग जाता है? देखिए, कई बार होता है कि जो प्रभु परमेश्वर है, माता रानी है, भगवान है, वो कभी कभी आपकी परीक्षा लेते हैं। वो ये देखने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर जो मेरा भक्त है, जो मेरी पूजा कर रहा है, मेरी अर्चना कर रहा है, मुझे मना रहा है, क्या उसका ध्यान मेरी भक्ति में, आध्यात्म के मार्ग में, मेरी पूजा पाठ में उसका ध्यान लग भी रहा है या नहीं लग रहा है। एकाग्रता बहुत जरूरी है, एकाग्रता का आप जरूर ध्यान रखिए। यदि भक्ति के मार्ग पर चलेंगे, तो ये समस्या भी आनी धीरे धीरे दूर हो जाएंगी। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आया, तो जरूर से लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ये बहुत अच्छा काम है। यदि सही जानकारियां लोगों तक पहुंचेंगी, तो ये समझ कर चलिए कि इससे आपका ही बेहतर और आपका ही भला होने वाला है। आज के लिए इतना ही। जय माता की।